ऐसा फरमान तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा सर। आपके नाम से कौन करा रहा है? नाम आपका बदनाम हो रहा है सर। और मैं आपको सही बताता हूं, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को एक सुकून मिला था कि आम परिवार का मुख्यमंत्री बना। सबके मन में यह था कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनहित में ऐसी योजनाएं लाएंगे, कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश को करेंगे। पर जैसे ही आज तक का पूरा रिकॉर्ड देखें आप सर, किसी मुख्यमंत्री ने आते ही डीनोटिफाइड नहीं किया होगा। किया होगा थोड़ा टाइम, 6 महीने 8 महीने। जिसने भी आपसे कराया है वो आपके हितेशी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जहां 80 MP और 400 कुछ विधायक जिस विधानसभा के अंदर बैठते हैं, जिस क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वहां भी सरकार परिवर्तन में इतने इंस्टीट्यूशन बन नहीं हुए होंगे जितने हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार ने किए हैं। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि चौपाल के ऊपर थोड़ी दया दृष्टि रखें। चौपाल 30-35 साल से राजनीति दृष्टि से बहुत दर्द सहन किया है। हो सकता है थोड़ी बहुत जनता से कोई कसूर हुआ होगा। सत्ता के साथ बहुत कम चले, पिछले 2017 में सत्ता के साथ चले थे और बहुत सारे मेरे 18 इंस्टीट्यूशन बंद हुए। मेरी आपसे विनती है कि हो सकता है कुपी चौपाल के विधायक ने कोई अन्याय किया होगा, चौपाल की जनता ने कोई अन्याय नहीं किया, इतना बड़ा दंड ना दिया जाए। नियम 67 के तहत माननीय सदस्य आदरणीय श्री सुखराम जी ने जो इस माननीय सदन में प्रस्ताव लाया है, मैं समझता हूं कि इस विधानसभा के इतिहास में जनहित में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज आया होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकार का परिवर्तन हुआ है, पहली बारी ऐसा हुआ कि जनता के हृदय को इतनी तकलीफ दी गई। आज से पहले मैं 2017 में जब आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री प्रदेश के बने थे, उन्होंने पहली कैबिनेट में 30 जनहित की योजनाएं लाई थी और यहां बिना कैबिनेट से 600 कुछ इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश के बंद हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर जहां 80 MP और 400 कुछ विधायक जिस विधानसभा के अंदर बैठते हैं, जिस क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वहां भी सरकार परिवर्तन में इतने इंस्टीट्यूशन बन नहीं हुए होंगे जितने हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार ने किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय सदन में है नहीं, मैं इनके ध्यान में थोड़ा सा लाना चाहता था। चौपाल में PWD डिवीजन बंद किया, चौपाल में मैं समझता हूं कि लाहौल स्पीति और एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी और छोड़कर, एक छोर से हुली से लेकर हरिपुर दार का मंदिर भी कुछ पोर्शन चौपाल में आता है। 280 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर तक है और आप चौपाल की स्थिति भी माननीय सदन के सभी सदस्य जानते हैं। 1990 के बाद पहली बारी सरकार के साथ का विधायक 2017 में चुना था। 17 के बाद बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री मोदी भी मेरे चौपाल की दर्द को सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मोदी के ध्यान में लाना चाहता हूं, मेरा PWD डिवीजन जो चौपाल का बंद छोर से हुली से लेकर छैला के साथ से लेकर हरिपुर धार का मंदिर भी चौपाल में आता है, कुछ पोर्शन चौपाल में आता है उसका, और 280 किलोमीटर है। कुपी वाले जब PWD डिवीजन चौपाल आते हैं, सुबह चलते थे, शाम को चौपाल पहुंचते थे, दूसरे दिन काम कराना पड़ता है, तीसरे दिन वापिस जाना पड़ता है। इतना दूर दराज का क्षेत्र मेरा चौपाल है सर। और आप समझते हैं कि चौपाल में 1990 के बाद पहली बारी 2017 में सरकार के साथ का विधायक बना था। और मेरे साथ जितनी भी एडजोनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं, जुब्बल कोटखाई में माननीय मंत्री जी है, 2 PWD डिवीजन है,
रोडू में दो पीडब्ल्यूडी डिवीजन है, ठियोग में दो पीडब्ल्यूडी डिवीजन है, रामपुर में दो पीडब्ल्यूडी डिवीजन है, मेरे साथ और पिछाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी दो पीडब्ल्यूडी डिवीजन है। एक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है, एक छोर से दूसरे छोर सबसे बैकवर्ड मेरी है, उसमें सिर्फ एक ही डिवीजन था, दो हमने बड़ी मुश्किल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कराया था और आपकी सरकार ने बंद किया सर। और सराहा में सब डिवीजन पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन बंद हुआ, बाकी तो छोड़ो सेक्शन पीडब्ल्यूडी के छोटे छोटे सेक्शन वो भी बंद हुए, जिसमें सेक्शन मड़ाव का बंद हुआ और बलघार का बंद हुआ। और माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि चौपाल के ऊपर थोड़ी दया दृष्टि रखें। चौपाल 30-35 साल से राजनीति दृष्टि से बहुत दर्द सहन किया है, हो सकता है थोड़ी बहुत जनता से कोई कसूर हुआ होगा, सत्ता के साथ बहुत कम चले, पिछले 2017 में सत्ता के साथ चले थे और बहुत सारे मेरे 18 इंस्टीट्यूशन बंद हुए। प्लीज 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 नो इंटरप्शन प्लीज नो इंटरप्शन। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नो इंटरप्शन प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सीने में दर्द तो फिर और बढ़ी, एक ही जब आपने फायर चौकी पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही फायर चौकी दया की बंद की, और आपने विधायक प्राथमिकता की मीटिंग में कहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि जब एक ही हुई है तो चौपाल की हम उसको खोल देंगे, पर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने खुद बोला था सर, विधायक प्राथमिकता की मीटिंग में बोला था। और हमारे कुछ स्कूल भी कुछ इस बिल्कुल बिल्कुल इतनी दिया आपने जरूर की है कि कुपी का कॉलेज रखा है और कुपी बहुत ही दूरदराज का क्षेत्र है। बलबीर जी प्लीज एंगेज योरसेल्फ विद मी प्लीज प्लीज। हमारे आयुर्वेदा डिस्पेंसरी चौपाल हेडक्वार्टर में हमारे आयुर्वेदा की डिस्पेंसरी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से खोली थी, वो भी बंद कर दी आपने। और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन जहां जेई बैठने थे वो भी बंद किए, आईपीएच के सेक्शन बलघार में वो बंद हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हेल्थ की दृष्टि से चौपाल आज भी एक अल्ट्रासाउंड के लिए 250-300 किलोमीटर शिमला आता है, बड़ी मुश्किल से हमने कुछ हॉस्पिटल की बिल्डिंग और हॉस्पिटल अपग्रेड किए थे, नए खोले थे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर माननीय मंत्री जी बैठे हैं, रोडू से लेकर ठियोग तक रोड साइड में कोई भी नहीं था, छेला में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया था वो भी बंद हुआ। कुपी जैसे क्षेत्र में पीएससी, एक कुपी में पीएससी थी कोठी एनोग, वो भी बंद हुई, और पीएससी धारचांदना और पीएससी शिलगांव एक किरण में थी। मैं दो पीएससी ऐसी डी नोटिफाइड हुई है सर, जो दो बारी दो गवर्नमेंट ने डी नोटिफाइड की है, पिछली गवर्नमेंट ने भी की, दोबारा खोली और दोबारा डी नोटिफाइड हुई। और मैं समझता हूं कि एक ही इंस्टीट्यूशन किसी भी गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश के अंदर दो बारी डी नोटिफाइड नहीं हुआ होगा, दो बारी नोटिफाइड नहीं हुआ होगा। वो मेरे चुनाव क्षेत्र का वो एक धारचाना की पीएससी है, एक शीलगांव किरण की है, जो किरण और टेलर है सर उत्तराखंड के बीच में है, आप हैरान रहेंगे, उनको अगर रोड से भी आना पड़ता पहले उत्तराखंड का एरिया क्रॉस करना पड़ता है, और नेरवा के लिए एक इंजेक्शन के लिए 60 किलोमीटर उनको आना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इतना बड़ा अत्याचार, जो घर में सुविधा मिल रही थी आज उस एक इंजेक्शन और एक मेडिसिन के लिए 60-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। बाकी तो छोड़ो सर, अध्यक्ष महोदय, पिछली गवर्नमेंट में हमने जो पैसे ब्लॉक में भेजे थे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा फरमान तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा सर, आपके नाम से कौन करा रहा है, नाम आपका बदनाम हो रहा है सर। और मैं आपको सही बताता हूं, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को एक सुकून मिला था कि आम परिवार का मुख्यमंत्री बना है। सबके मन में यह था कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
जनहित में ऐसी योजनाएं लाएंगे, कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश को करेंगे। पर जैसे ही आज तक का पूरा रिकॉर्ड देखें आप सर, किसी मुख्यमंत्री ने आते ही डीनोटिफाइड नहीं किया होगा, किया होगा थोड़ा टाइम 6 महीने 8 महीने, जिसने भी आपसे कराया है वो आपके हितेशी नहीं है। और हमारी सरकार ने 125 यूनिट फ्री में दिया था, आपकी सरकार ने आते ही उसको भी बंद कर दिया, बोला था 300 यूनिट देंगे। और जो ये पैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मैं ध्यान में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं सर, ये जो कुपुई जैसे ब्लॉक से पैसे वापस आए हैं, डीसी के माध्यम से ये पैसे वापस मंगाए गए हैं, जो पंचायतों के लिए रास्ता, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 900 सड़कें पंचायती राज से बनी है, उनकी रिपेयर, पानी बारी जैसे बर्फ गिरती है बारिश आती है सारी बंद हो जाती है, उनकी रिपेयर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से और बैकवर्ड से और डीसीपी से जो पैसा गया था 1.5 करोड़ वापिस मंगाया सर। मेरी आपसे विनती है कि हो सकता है कि कुपी चौपाल के विधायक ने कोई अन्याय किया होगा, चौपाल की जनता ने कोई अन्याय नहीं किया, इतना बड़ा दंड ना दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डोडा पुल में 66 केवीए पिछली गवर्नमेंट में सैंक्शन हुआ था सर, मेरी आपसे विनती है कि उसको ना कहीं शिफ्ट किया जाए और 66 केवीए चौपाल में जो डोडा में हुआ है वहीं उसको लगाया जाए। बहुत सारे माननीय सदस्य यहां इस माननीय सदन में बोल रहे थे कि डबल इंजन की बात कह रहे थे, मैं माननीय सदन के सभी सदस्य को थोड़ा सा ध्यान में लाना चाहता हूं, इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन जब से आया है उससे पहले कितने नलके हमारे हिमाचल प्रदेश में थे और आज कितने लग रहे हैं। और आप एक बात सुन समझ लेना, 8 लाख नल के 70 प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज, 8 लाख नल के 70 साल में लगे और 9 लाख नल के हमारे जेजेएम में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से हिमाचल प्रदेश में लगे हैं और जिसमें 3400 करोड़ फंड, मैं दावे से बोलता हूं कि इतिहास में 70 साल में 1000 करोड़ फंड भी नहीं आया होगा, 3400 करोड़ रुपया फंड हिमाचल प्रदेश को जो खर्च हो चुका है। और इसमें प्लीज, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक छोटे से राज्य में, वर्मा जी प्लीज, मुझे हैरानी इस बात की हुई कि माननीय सदस्य ने जब बोला कि दिल स्ट्रिक्ट टू द इशू, अभी आप बजट होगा उस पर बोलना आपने सारा, स्ट्रिक्ट टू द डी नोटिफिकेशन। एम्स हॉस्पिटल सेंटर से मिला हमारे को, पीएमजेएसवाई सेंटर से मिली हमारे को, हिमाचल प्रदेश में 38,000 किलोमीटर में से 20,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हिमाचल प्रदेश में बनी है। कुछ मित्र लोग जो ये कहते हैं कि सेंटर से क्या हुआ, मैं उनके ध्यान में ये लाना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में विनती करना चाहता हूं कि जो चौपाल है बहुत ही बैकवर्ड, बहुत दूरदराज का क्षेत्र, और मैं एक और ध्यान में लाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री मोदी के, शिमला डिस्ट्रिक्ट में 8 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं, सब जगह से मंत्री बने हैं, 1990 के बाद वहां से कोई भी सरकार के साथ का विधायक नहीं जीता था, 2017 में विधायक के सरकार का विधायक जीता था और उसमें बहुत सारे काम हुए, 12 में भी हमने बहुत काम कराए और 17 में भी बहुत काम। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जितने भी मेरे डी नोटिफाइड हुए हैं, जरूरत के आधार पर, आपने एक बात कही है कि जरूरत के आधार पर हम इसको नोटिफाइड करेंगे, मेरी आपसे विनती है कि चौपाल के एक जरूरत के आधार पर जितने भी डी नोटिफाइड हुए नोटिफाइड करें। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपी और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी, देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।